नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब का इन्फेक्शन। बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और ये प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो यूरिथ्रा होता है, जो यूरिन पास करने का रास्ता होता है, वो बहुत ही स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और उसमें इन्फेक्शन होने के, इन्फेक्शन जो बाहर के जो एनवायरनमेंट के जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ तक जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है वो ये है कि जो यूरिथ्रा होता है फीमेल्स में, वो वेजाइना और एनस के बिल्कुल पास में होता है। वेजाइना मीन्स जो आपका योनि वाली जगह है, और एनस मीन्स जो आपकी लैटिन वाली जगह है, वहाँ बिल्कुल पास में होता है। तो वेजाइना से और एनस से अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो बहुत जल्दी यूरिथ्रा तक पहुँच जाता है और यूटीआई कॉज कर देता है। देखिए, यूटीआई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेशाब का ही इन्फेक्शन है, ये पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले किडनीज आती हैं। किडनीज होती हैं वो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ब्लड की सफाई करती हैं। किडनीज में से फिर जो दो यूरिटर निकलते हैं, जिनको हम पेशाब की नलकी कहते हैं, वो दोनों यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं। जो लोअर एब्डोमेन में, जिसको हम पेशाब की थैली कहते हैं, उसमें ओपन होते हैं, और जैसे ही उसमें यूरिन इकट्ठा होता है तो हमें यूरिन का प्रेशर फील होता है और फिर हम यूरिन पास करके आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में, मतलब किडनीज, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इनमें से अगर किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूटीआई ही कहते हैं। और इसमें यूरिन से रिलेटेड आपको सिम्टम आते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपको यूरिन पास करते वक्त बहुत तेज़ दर्द होगा, या जलन होगी, या हो सकता है कि आपके यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाए। यूरिन जो है रुक रुक के आए, ट्रोप वाइज आए, और जैसे ही आप टॉयलेट से बाहर आते हो सकता है आपको दोबारा से अर्ज फील हो। अर्ज मीन्स दोबारा से यूरिन का प्रेशर फील हो, अर्जेंसी फील हो। लेकिन जैसे ही आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपका यूरिन नहीं आता है, या फिर ड्रॉप वाइज आता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन, ये तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर लोअर एरिया में है, सिर्फ यूरिथ्रा और ब्लैडर तक, और अगर किडनीज तक आपका इन्फेक्शन पहुंचा हुआ है, तो इसमें आपको सर्दी देके बुखार भी आ सकता है, बिल्कुल कपकपी लग सकती है, और लोअर एब्डोमेन में और कमर में बहुत तेज़ पेन भी हो सकता है। और अगर स्टोन की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से अगर आपको यूटीआई है, तो उसमें यूरिन पास करते समय आपके ब्लड भी आ सकता है, जिसको हम हीमेचूरिया कहते हैं। इसके अलावा आपको साथ साथ में ल्यूकोरिया वगैरह या वेजिनाइटिस वगैरह की शिकायत भी हो सकती है। अगर आपका, कई बार क्या होता है कि जो यूरिन इन्फेक्शन है वो वेजाइना तक ट्रांसफ़र कर जाता है, और जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो आपके यूरिन तक ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में वैसे भी एक से दूसरी वजह हो सकती है। तो देखिए, जब भी आपको ये दिक्कत महसूस होती है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें आपको बार बार यूरिन भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि पेशाब तो खुल के आ रहा है लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ रहा है, वो भी एक यूटीआई का साइन है। तो जैसे ही आपको ये साइन फील होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो। जो हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका यूरिन टेस्ट करवाते हैं। इसमें हम यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक उसका एग्जामिनेशन होता है, और एक हम पेशेंट के ब्लड शुगर जरूर करवाते हैं। आप भी अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो यूरिन और ब्लड शुगर, ये दो टेस्ट आपको जरूर से जरूर करवाने हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितनी पस सेल्स हैं, RBC, एपिथेलियल सेल्स, कीटोन बॉडीज, ये सारी हम यूरिन की रिपोर्ट में देखते हैं, और उससे भी पता चल जाता है कि इन्फेक्शन किस लेवल तक है और हमें कितनी स्ट्रॉन्ग उसको एंटीबायोटिक देनी है। तो जो इसका ट्रीटमेंट है, जो इसकी एंटीबायोटिक है, वो कंप्लीट डिपेंड करती है इसकी रिपोर्ट के ऊपर। और अगर आपको बार बार फ्रीक्वेंट रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो उसमें फिर हम पेशेंट का कल्चर टेस्ट भी करवाते हैं, यूरिन कल्चर टेस्ट। लेकिन इसके लिए पेशेंट को 3-4 दिन तक कोई एंटीबायोटिक नहीं खानी होती है। कल्चर टेस्ट तभी हो सकता है पेशेंट का, जब उसने कोई एंटीबायोटिक ना खा रखी हो। कल्चर टेस्ट में क्या होता है कि बिल्कुल स्पेसिफिक बैक्टीरिया, फंगस या वायरस जो भी है, वो हमें बिल्कुल टू द पॉइंट हमारा डायग्नोस हो जाता है कि इस बैक्टीरिया ने ये यूटीआई कर रखा है, और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये वाली एंटीबायोटिक सबसे इफ़ेक्टिव रहेगी। तो हम पेशेंट का फिर वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलाते हैं जो उसके कल्चर टेस्ट में रिपोर्ट आती है। इसके अलावा अगर यूटीआई फिर स्टोन की वजह से है, तो हम पेशेंट की सोनोग्राफी भी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उसमें बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट आ जाती है कि स्टोन कहाँ पर है,
गुर्दे में है, यूरिटर में है, या फिर ब्लैडर में है, और कितने साइज की है, और वो उसका निकलने का क्या प्रोसीजर चल रहा है, ये रिपोर्ट हमें सोनोग्राफी से मिल जाती है। और सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि स्टोन जो है उसने हाइड्रोनेफ्रोसिस या गुर्दे में कोई सोजन तो नहीं कर रखी है। फिर हमारा उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यूटीआई होता क्यों है, क्या कारण है इसकी। तो देखिए, जो सबसे कॉमन और सबसे जो मेन जो इसका फैक्टर है वो यही है कि पानी कम पीना। देखिए, यूरिन जो है वो किडनी उसको फिल्ट्रेट करती है। अगर पानी कम पी रखा है तो ब्लड ज़्यादा थिक होता है और उसका फिल्ट्रेशन वर्क सही नहीं हो पाता, और वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा पानी कम पीने के बाद क्या है, फीमेल्स में जैसे पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे अगर अच्छी तरह से आप साफ सफाई नहीं रखते हो तो आपको यूटीआई हो सकता है। एक जो डायबिटीज पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं यूटीआई होने के, क्योंकि बैक्टीरिया की जो गुड एनवायरनमेंट होता है वो डायबिटिक पेशेंट वाले के ज़्यादा होता है, वहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा पानी कम पीना और ज़्यादा तेज तीखे मिर्च मसाले, ज़्यादा स्पाइसी फूड का सेवन करना, ये बहुत बड़ा कारण है यूटीआई होने का। इसके अलावा पेट में अगर कीड़े हैं, देखिए जब भी हमारे पास कोई यूटीआई का पेशेंट आता है हम उसको डीवॉर्मिंग मेडिसिन जरूर देते हैं, क्योंकि पेट में कीड़े होना यूटीआई होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, ये भी एक यूटीआई का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स खानी पड़ सकती है किसी और बीमारी की वजह से, उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि आपको यूटीआई हो जाता है। और एक आयुर्वेद में बहुत बड़ा कारण बताया गया है, इसमें एक 13 अधारणीय वेग बताए गए हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उनमें एक वेग है मूत्र का वेग। अगर आप यूरिन का प्रेशर बार बार रोकते हो, ज़्यादातर ये कंडीशन फीमेल में होती है इसकी वजह से भी उनमें ज़्यादा यूटीआई होता है, तो जैसे अगर आप यूरिन का प्रेशर ज़्यादा रोकते हो तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसे ही आपको अर्ज फील होती है तुरंत आपको यूरिन पास करके आना है, क्योंकि बार बार वेगों को रोकने से ज़्यादा यूटीआई होने के चांसेस हैं। या फिर अगर आपको बार बार कैथेटराइजेशन करवाना पड़ता है, मतलब जो पेशाब की नलकी होती है कैथेटर होता है, अगर किसी वजह से पेशेंट को बार बार वो लगवाना पड़ता है तो उसको भी फिर बहुत ज़्यादा पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से भी, प्रेगनेंसी में भी यूटीआई ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो यूरिन रिटेंशन है वो थोड़ी ज़्यादा होती है यूट्रस का साइज बढ़ने की वजह से, और किसी इंजरी की वजह से भी यूटीआई हो सकता है। और इसमें कुछ नर्वस फैक्टर भी होते हैं, मतलब अगर आप किसी टेंशन में हो, कोई आपको ज़्यादा एंजाइटी है या किसी चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो भी आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, लेकिन उस कंडीशन में आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेंगी। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि अगर एक बार यूटीआई हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ही तेज़ पेन होता है, एक एक सेकंड निकालनी उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आप अपना लिक्विड इनटेक बढ़ा दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके आप लिक्विड लीजिएगा। उसमें आप नींबू पानी ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, लस्सी का सेवन कीजिएगा। जितना ज़्यादा लिक्विड आप लोगे उतना ज़्यादा बैक्टीरिया बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हो वो ये है कि आप लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिएगा। लिक्विड आप कैसे भी ले सकते हो, पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, या फिर आप लस्सी, दही, इन दूध, इन चीज़ों का आप ज़्यादा अमाउंट में कंजप्शन कीजिएगा। और जैसे ही आप बाहर जाते हो तो कोशिश कीजिएगा कि इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, जो वेस्टर्न टॉयलेट है उनसे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूटीआई बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, इससे जितना आप बच सकते हो कोशिश कीजिएगा उतना बचो। अपने बॉडी में पानी की कमी ना होने दीजिए, जो कि एक यूटीआई का सबसे मेजर कॉज है। बाकी जो इसका प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक अपने शरीर का ध्यान रखिए। नमस्कार।